हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आज मैं आईटी सेक्टर के स्टॉकों की एनालिसिस करूंगा, जिसमें से टेक महिंद्रा के पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, उसकी पूरा एनालिसिस करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी बाई और सेल की सलाह नहीं दी जाती, अगर आप करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये कम्प्लीट वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से बनाया जा रहा है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि आईटी सेक्टर के स्टॉकों में इस हफ्ते एक बॉटम से बाउंस होने के चांसेज हैं। बॉटम कहाँ पे बनेगा, हर स्टॉकों को अलग अलग बॉटम बनने के चांसेज है, लेकिन इस हफ्ते में जो बॉटम बनेगा वो बॉटम खरीदने के पर्पज से, शॉर्ट टर्म के पर्पज से, मीन्स कि एक हफ्ते के पर्पज से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, आएगा ये टाइम जो इस हफ्ते में होने वाला है। उसमें से मैं केवल अभी टेक महिंद्रा की बात करूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करते हैं, कमेंट करके जानना चाहते हैं अदर स्टॉक का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, तो मैं अदर आईटी सेक्टर के स्टॉकों का एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो टेक महिंद्रा की एनालिसिस आपके स्क्रीन पे है। बिल्कुल इस लेवल पे खरीदने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जो मेरा मानना है। कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग होगा, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे 4,500 या 4,99 के नीचे के बीच अंदर नहीं जाना चाहिए, से इसके नीचे सेल नहीं होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे 4,95 और 4,86.85 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओवरऑल जो मेरा मानना है कि इस स्टॉक में 4,95 से लेकर के 4,80 के जोन में अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए इस बीच में, और उसके बाद एक बाउंस जो ब्रेकआउट आएगा, फिर से हम 4,95 के ऊपर चलेंगे तो एक तेजी आएगी जो इस स्टॉक को 4,524 तक लेके जा सकता है। तो इस हफ्ते में अगर नीचे आता है ये स्टॉक 4,80 के जोन में, 4,85 से लेकर के 4,95 के बीच में बॉटम बना करके रिवर्सल आता है, दोबारा से 4,96, 4,500 के ऊपर चल पड़ता है, तो इस स्टॉक में कम से कम 520, 540 तक का मूव देखा जा सकता है आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में। एक पहले सबसे पहले इस बात को जरूर ध्यान रखें कि एक नीचे आएगा फिर बाउंस आएगा, अगर ऊपर जाता है तो अवॉइड करना है। तो ये मेरा मानना है। और नीचे आने के कारण क्या है, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑप्शन एनालिसिस जो इसमें दिख रहा है, ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे की तरफ ही मुड़ा हुआ है, ऑलरेडी ऊपर 520 के आसपास जाता है फिर वापस नीचे की तरफ आता है, तो या अभी ये कहीं ना कहीं इस पीरियड में एक बॉटम बना लेगा और बॉटम बना करके बाउंस करेगा, फिर से 540, 524 तक जाने की कोशिश करेगा। नीचे आने के पीछे रीजन ये है कि इसके 500 वाला जो पुट ऑप्शन है, 500 के पुट ऑप्शन स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं आपको, 500 का पुट ऑप्शन ये लगभग 13.35 पैसे पे बंद हुआ, 13 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हुई है, और 7 रुपये का इसका ब्रेकआउट लेवल था, तो ब्रेकआउट से ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे है। जब तक ये 500 का पुट ऑप्शन 7 रुपये की अंदर ना आ जाए, तब तक इसमें एक 500 के पुट में प्रॉफिट होने के चांसेज है, प्रॉफिट होने के चांसेज है। मींस कि इस लेवल के बेसिस पे ये दिख रहा है कि 490 के आसपास एक बार चांसेज है ये चला जाए, और वहाँ से रिवर्सल आएगा तो ऑटोमेटिक ट्रैक करना होगा उस टाइम की 500 के पुट ऑप्शन में कहीं ना कहीं 7 रुपये के नीचे ट्रेड होने लगे, तो इसमें एक ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा 500 के पुट में, फिर हम बाउंस देखेंगे। इस स्टॉक के पीछे एनालिसिस करने के पीछे ये रीजन है कि आईटी सेक्टर के स्टॉकों में शॉर्ट टर्म जो गिरावट हुआ है ये शॉर्ट टर्म के पर्पस से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मीन्स कि शॉर्ट टर्म में जो फॉल हुआ है ये शॉर्ट टर्म के पर्पस से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, न कि लॉन्ग टर्म के पर्पस से। टेक महिंद्रा का फाइनल बॉटम आने वाले टाइम में बनेगा, मैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, और इस प्राइस वाइज इसका बॉटम बहुत नियर अबाउट है,
और ये स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड चलने की कोशिश करेगा। अपर रेंज में 560 और लोअर रेंज जो इसका बॉटम प्राइस है, मेरा जो व्यू है 440 के आसपास, 440 के आसपास ये स्टॉक बॉटम आउट हो जाएगा प्राइस वाइज, टाइम लग सकता है। और इसी टाइम रेंज में ये स्टॉक जिनको भी ट्रेड करना है वो ऐसे स्टॉकों को पकड़े जिनमें गिरावट बिल्कुल कम है और अपसाइड रेंज बाउंड है, तो कहीं ना कहीं आप उस रेंज को ट्रेडिंग पर्पज से प्ले कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है तो आपको लॉस होने की संभावना भी नहीं है। तो ये स्टॉक इसीलिए मैंने टेक महिंद्रा को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये अभी 52 वीक लो से मात्र 40 पॉइंट नीचे है और यहाँ से भी 20 पॉइंट गिरने के चांसेस है। 20 पॉइंट गिरने के बाद एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव टू बाइंग हो जाएगा शॉर्ट टर्म के पीरियड से। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।